तो ड्रामा जो है मैं जब शुरू किया था वो भी किसी कॉलेज में किसी लड़के ने मुझे बोला, मैं बॉक्सर था कॉलेज में और उस कॉलेज में दूसरे एक्टर लोग इस बगल के रूम में एक्टिंग कर रहे थे और मैं वहाँ बॉक्सिंग करता था, बगल के रूम में कौन एक्टर थे, वो आमिर खान, वो दीपक तिजोरी, वो अशोक पंडित, वो और परेश रावल, ये सारे एक्टर उसी कॉलेज में थे, वो ड्रामा करते थे। तो मैं उनको बोलता था ये क्या पूरा दिन चिल्लाते रहते, ये क्या करते हैं, ये क्यों चिल्लाते पूरे दिन, ये नकली नकली है, सब नकली है, असली मैं हूँ बॉक्सर, मैं और मेरे सामने ओपोनेंट, या तो तेरे को तो तू मरेगा या तो मैं मरूंगा, इसी फैसला अभी होगा। अब फिर पता चला मैं भी उसी बगल वाले कमरे में जिमखाना में था, वहाँ रिहर्सल चलती थी और यहाँ पर मैं बॉक्सिंग करता था। अब वो दीपक तिजोरी मुझे बोलता है तू तो बॉक्सर था, ये एकदम से वंश पिक्चर में कैसे लॉन्च हो गया। पर्सनली स्पीकिंग अच्छी कास्टिंग जो होती है, अगर मुझे पुलिस का रोल, मिलिट्री का रोल इसलिए मिलता है क्योंकि मेरे गाल अंदर हैं, मेरे हाई चीक बोन्स हैं, मेरी आंखें थोड़ी थोड़ी एसमीज लगती हैं, चिंकी आई, इसलिए मुझे गुरखा रेजिमेंट का रोल थोड़ी थोड़ी चिंकी लगती है, थोड़ी चिंकी लगती है, देखो इसी वाली आंखें लगती वो देखो हंस रही है, ऐसे थोड़ी थोड़ी नॉर्थ ईस्ट वाली लगती है, इसलिए मुझे गुरखा रेजिमेंट का रोल दिया, वो है ना बहादुरी का दूसरा नाम गुरखा रेजिमेंट है, LOC के लाइन ऑफ कंट्रोल में, तो इसलिए शायद जेपी साहब ने मुझे उसमें, जेपी दत्ता जी ने मुझे वो रोल उसमें फिट किया, इसमें आंखें छोटी छोटी हैं क्योंकि आसाम की धरती पे बैठा हूँ, तो असमीज जो है उसका कल्चर और उसकी आसाम के जो ट्रेडिशंस हैं उसको कैसे एनहांस करने के लिए मेरे मन में ना लाचित बोरफुकन को तो बहुत पहले से बैठा हुआ है, एक चीज़ वन चीज ये मेरे मन में बैठा हुआ है एज ए फिल्म मेकर, मैं फिल्म मेकर नहीं हूँ मैं एक्टर हूँ, ठीक है। अब ये जो ट्रिप है मेरी वो ट्रिप प्राइमरीली ये है कि इनकी एक दो अनकमिंग जो स्क्रिप्ट हो रही है उनमें कुछ चल रहा है, आई विल वर्क इन दिस इनकी फिल्म, ये तो एक चीज़ हो गई। जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो असम में शूट करके असम के ट्रेडिशन और असम की कल्चर को आगे बढ़ाने की बात करूंगा जिसमें असम नजर आए, उसमें असम शुड बी अ वेरी लवली पार्ट ऑफ इंडिया, वो उसको असम एनहांस होना चाहिए इन अ बॉलीवुड मूवी, इन अ हिंदी मूवी, जिसको आगे चल के आप असम इस लैंग्वेज में आइदर शूट करूं या उसको डब करूं ये मैं अभी बोल नहीं सकता, ये तो बजट के ऊपर है सारा ना सारा, बट फिल्म टू बी शॉट इन असम, अ हिंदी मूवी विच विल बी रिलीज इन बॉलीवुड एंड दैट मूवी विल एनहांस द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ असम, बिकॉज मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि आपने कुल्लू मनाली दिखा दिया और कश्मीर बोल दिया, इसी क्योंकि वो भी पहाड़ है, वो भी पहाड़ है, वो भी झाड़ है, वो सेम टाइप के झाड़ है ना पूरे माउंटेन्स के ऊपर, तो उन्होंने दिखा दिया, वो उनकी प्रॉब्लम है क्योंकि उनके फिल्म की जो स्क्रिप्ट है वो पूरी स्क्रिप्ट कश्मीर की है और पाकिस्तान की है, तो आप किसी भी पहाड़ को दिखा के आप असम नहीं बोल सकते क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट स्क्रीन प्ले में असम नहीं है ना वो, तो ये जो मैं जो फिल्म प्लान कर रहा हूँ वो असम के ही ट्रेडिशन, असम का ही कल्चर को आगे बढ़ाएगा, दैट इसलिए असम को सोचा बिकॉज मेरे मन में तब से लाचित बोरफुकन भरा हुआ है, प्लस मेरा असिस्टेंट जो था वो दोर्जे असमीज है लड़का और वो ऑलवेज दोर्जे नाम है उसका, ऑलवेज असम असम की बात करते हैं, मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, मेरे को ब्रह्मपुत्र में और मेरे को ये जो राजा थे बहुत स्ट्रांग शिवाजी हुए जिन्होंने बहुत लड़ाई की थी और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहादुरी दिखाई थी, यू सी 10 सिखों में भी बहुत ये है, तो बहुत ऐसी चीज़ें अभी सामने आनी चाहिए, एकदम अच्छे तरीके से पब्लिक को खिलानी चाहिए, ये जो छोटे जनरेशन वाले जो लोग हैं अगर उनको ये 10 और 20 की एज में अगर हम अभी उनको नहीं डोज देंगे तो वो कंट्री के आगे चल के फ्यूचर पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारी यंगेस्ट कंट्री है ये तो मोदी जी ने सबको बोला है, ये तो पता ही है सबको, द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो ये फिल्मों के माध्यम से जो इफेक्ट होता है वो सबसे बड़ा इफेक्ट होता है। इट्स एक लाइन में इट इज अ थ्रिलर, क्योंकि आइदर असम की लैंग्वेज में शूट करूंगा वो ए हिंदी के साथ बाइलिंगुअल, नहीं तो असम कोशिश करेंगे कि उसको शूट करें तो वो बेटर लगेगा, नहीं तो वह डब करके करेंगे। सबसे मेमोरेबल कैरेक्टर क्या होगा सर? मेमोरेबल कैरेक्टर इज इंस्पेक्टर भारत सुराग, अगले जन्म बिटिया की जो लोहा सिंह एंड
मोहिनी पिक्चर यू नो दैट मोहिनी हेमा मालिनी जी डायरेक्टर थी वो दैट थिंग बहुत अच्छा है अभी तो बहुत पहले से तो बहुत बेटर हुआ है अभी वो एक पहाड़ी लड़का आया था वो सिंगिंग कॉम्पिटिशन में कितना अच्छे हर चीज बजाते हैं कितना उसने कितना नाम कमाया कितनी रिस्पेक्ट कमाई वो कब होता है ये मैं तो ये समझता हूँ कि वक्त आता है तब चीज़ होती है लेकिन ये अभी वक्त आया है ना 2014 से अच्छा वक्त आया है यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग तो चीज़ें अच्छी हो रही हैं दे गोइंग फॉर बेटर और भी बेटर होगा हमारे पास इतनी खूबसूरती है इतना टैलेंट है इतना अच्छा म्यूजिक है इतना अच्छा नेचर है एक दो हिल स्टेशन वो अंग्रेज बना गए और उसके बाद हमारे पास टाइम ही नहीं हिल स्टेशन बनाने का एक भी हिल स्टेशन नहीं बनाया अब आसाम में को कम है जगहें कम है आसाम इन इटसेल्फ इज अ हिल स्टेशन पूरा आसाम इन इटसेल्फ इज अ हिल स्टेशन रस्ते में आया मैंने देखा ब्रह्मपुत्र नदी अभी वो बाढ़ आती नदी में उसको कंट्रोल उसको कंटेन किया जाए उसको स्टडी किया जाए रिसर्च किया जाए कि भाई क्या क्यों ये सब चीजें हो रही हैं